हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और ये एक मॉडलर किचन का काम आज कंप्लीट हुआ है। राताजीपुरम के अंदर ये काम सारा किया गया है। और ये ऊपर के सारे बॉक्स हमारे लाइट कलर के हैं। ये आपकी टॉल यूनिट है जो कि डार्क कलर की है, डार्क ब्राउन है। हाई ग्लोसी माइका है और 1 mm का माइका लगाया गया है। एल शेप में पूरा किचन है, ये आप देख सकते हो पूरा एल शेप में है। लास्ट में सिंक दे दिया है और ऊपर और नीचे का पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं किस तरह से। बाकी आपको खोल के दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या काम किया गया है, किस तरह काम है इसके अंदर। ये टॉय यूनिट का एरिया है आपका। अभी तो कुछ चीजें उन्होंने ऐसे रख दिया था, ये ऊपर शोकेस पर्पज से बनाए गए हैं। शीशे के डोर लगा दिए गए इसके अंदर। थोड़ा सा अलग करने के लिए कि दो काम कर दिए गए, लाइट और डार्क का। और आपको स्टार्टिंग में दिखाते हैं, सबसे पहले ये सिंक का जो एरिया है, यहाँ पे दो डोर लगा रखे हैं हम लोगों ने। नीचे डस्टबिन के लिए जगह दे रखी है, ऊपर सिंक, और ये दो डोर है। फिर उसके बगल में एक प्लेन डोर लगा रखा है, ये भी दिखा रहे हैं आपको। सिर्फ सिंगल डोर है और अंदर एक पार्टीशन है इसके अंदर। और ये आपका कॉर्नर का डोर है, मैजिक कॉर्नर डोर बोलते हैं इसको। दोनों डोर एक साथ खुलते हैं, अंदर एक पार्टीशन है। काफ़ी बड़ा स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं आसानी से, ड्रम व्रम की चीज़ें या तेल का कंटेनर यहाँ रख सकते हैं। फिर ये आपका सिलेंडर के डोर है, लेने बिल्कुल सिलेंडर रखने के लिए, कैसे सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपके 3 बास्केटें हैं। सबसे पहले कटारी कर दिया है थोड़ी चम्मच के लिए। सेकेंड नंबर पर प्लेन बास्केट है, मल्टीपर्पज से कुछ भी रख सकते हैं। सबसे नीचे गहरी एक बास्केट कर दी है, ये भी प्लेन है। उसके बाद फिर ये 2 बास्केट हैं। ऐसे सारी बास्केट हैं, उन्होंने टेंडम बास्केट लगाई है, इसलिए बहुत सॉफ्ट चलती हैं। देखिए बहुत आसानी से अपने आप चली जा रही है, अंदर अपने आप बंद हो जाती हैं। बहुत स्मूथ, बहुत फ्री चलती हैं बास्केट हैं। ये सारी बास्केट हैं हमारी मल्टीपर्पज़ के हैं। कुछ भी इसमें कढ़ाइया, ड्रम, तेल कंटेनर या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये टॉय यूनिट का है, हालांकि अभी इसमें सामान हमारा कुछ रखा हुआ था, वो दिखा रहे हैं इसके अंदर। ये 2 बास्केट हैं, ये इसमें ज़्यादातर बास्केटें दे रखी हैं ताकि ज़्यादा झुक के काम ना करना पड़े, आसानी से निकल आए। ये आपका शीशे का डोर है, क्रॉकरी पर्पज से दे रखा है, ये मल्टीपर्पज से कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। और हाइड्रोलिक पंप लगा रखे हैं इसके अंदर हम लोगों ने, प्रोफाइल हैंडल लगा रखे हैं। नॉर्मल हैंडल की जगह आप देखें तो उसमें हैंडल जो लगे थोड़ा सा अलग हैंडल है, प्रोफाइल हैंडल बोलते हैं। फिर ये आपके ये गैस के चिमनी के राइट और लेफ्ट में भी उसी तरह से हाइड्रोलिक डोले रखे हैं, आसानी से खुल सके और आसानी से बंद हो सके। इसमें भी शीशा कर दिया हम लोगों ने। और सबसे ऊपर का जो डोर है ये बिल्कुल प्लेन डोर है, इसमें भी हाइड्रोलिक लगी हुई है। इस डोर पर पसेरी बना हुआ है, ये चिमनी का ढक्कन है, जब कभी चिमनी सर्विस करनी हो तो खोल के चल भी सर्विस कर सके। फिर चिमनी के लेफ्ट में फिर सेम वैसे ही है, शीशे के डोर है और हाइड्रोलिक पंप से इस्तेमाल किया गया है। कब्जे ना लगा के पंप लगा जाते हैं, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो जाता है। सबसे ऊपर देखिए ये चिमनी का पाइप निकला तो उसको भी कवर कर दिया, ताकि अक्सर पाइप दिखाई देते हैं वो पाइप इसमें नज़र नहीं आएगा। बंद होने पे काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है, बंद हो जाता है जब। और ये आपका जैसे नीचे डोर था कॉर्नर वाला, इसी तरह सेम ऊपर भी डोर है, कॉर्नर का और अंदर पार्टीशन है। और लाइट कलर का कम्बिनेशन दे रखा है ऊपर भी हमने, देखिए ये चिमनी का पाइप जो होता है उस पाइप को पैक कर रखा है, खोलने पर ही मालूम पड़ता है क्या है। ये आपका प्लेट डोर रखने के लिए, सिंक से प्लेट डोर के सीधे ऊपर प्लेट लगा दी जाती है, उसके 2 डोर रहेंगे। फिर लास्ट में ये आपका आर ओ वाला है, अभी आर ओ लगा नहीं था फिलहाल, आर ओ उसके अंदर रहेगा। और उसके ऊपर एक ये और स्टोरेज है, इसमें स्टोरेज काफ़ी दे रखा है ताकि ज़्यादा सामान स्टोर हो सके। और ये एल शेप पे पूरा किचन है आपका, सारा काम हमारा लखनऊ में किया गया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, पसंद आया हो, या आपको भी काम कराना हो अगर लखनऊ के अंदर, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दे रखा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। या आप किचन बनवा रहे हैं और कुछ डिस्कस करना हो, कुछ राय लेनी हो हमसे, तो ज़रूर हमें मैसेज करें या कॉल करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे लखनऊ में विकास नगर में हमारा सारा काम है ये। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लखनऊ मॉडलर किचन।